सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून। वैसे तो सुबह हम गए थे जिम जाके आ गए थे। सुबह हमारे फोन में बैटरी वगैरह नहीं थी तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और अब शुद्ध कर रही है पोछा कैसे कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही इस घर में, कुछ नहीं करती। और अभी हम ना बहुत ज्यादा मतलब सुबह ज्यादा वर्कआउट कर नहीं पाए और ना दिखा पाए आप लोगों को। तो बस अभी हमें ख्याल आया है कि पीछे आपको दिख रहा होगा टबाडा का वर्कआउट चल रहा है, तो हम 20 मिनट का टबाडा का वर्कआउट भी करेंगे घर पे हमें, क्योंकि 15 दिन में जल्दी पतला होना है तो सुबह और शाम दोनों टाइम वर्कआउट करना है हमें, ताकि जल्दी से हम पतले हो और जल्दी से फिर हम कहीं घूमने जाऊंगा मैं अकेला घूमने अकेला इस बार। जिसको मेरे साथ चलना वो बता दे, इसको मैं लेके नहीं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। ये देखो इसकी हरकतें देख लो भाई, मैं क्या करूं। रिलैक्स होता है यार। नहीं भाई, हमें वर्कआउट करना ही पड़ेगा आज। सुबह भी आपने बहुत कम वर्कआउट करा है, कम से कम अब तो कर लो। पता है मुझे क्या, 10 मिनट ट्रेडमिल करके आ गई वहां से, मैं क्या व्लॉग बनाता हूं सुबह का। करा तो ना। और इसको भी देख लो, ऑलिव को भी मजे आ रहे पूरे। ऑलिव भी थोड़ी सी बीमार है, ऑलिव के ना थोड़ी सी एलर्जी हो गई है, शायद इसको किसी कीड़े ने काट लिया इस वजह से। मुझे तो लगता है उस कीड़े का नाम यही है श्रुति, इसने काटा है इसको, काटा है ना। तो बस 15 मिनट से मतलब 20 मिनट का टवाडा है ये, 20 मिनट कंटिन्यूस करेंगे। देख पहले एक सेट निकालते हैं, फिर कोशिश करेंगे फिर धीरे धीरे 2 सेट निकाले 3 सेट निकाले, क्योंकि देखो एकदम से वर्कआउट करेंगे तो हमारे भी मसल पेन होगा, बॉडी में पेन होगा, बॉडी आके होगा, इसी के होता है दिमाग में पेन वर्कआउट करने के बाद, हमारा तो रिलैक्स होता है। सो जल्दी से चलते हैं वर्कआउट करते हैं, बूम। सो गाइस, अब हम करने वाले वर्कआउट शुरू। 15-20 मिनट का टवाडा सेशन है, सारा तो नहीं दिखाएंगे, हो सकता है फास्ट फॉरवर्ड पे दिखा दे। और अब हम करें शुरू की स्टार्ट। yes. कर पाओगी आप? कर लूंगी यार, मुझे ऑलरेडी बहुत बोलते हैं मोटी मोटी, और मुझे खुद भी मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो मुझे टवाडा करना है। ऐसे जाहिल है ना। नहीं श्रुति, मोटी नहीं हुई आप, चलो शुरू हो जाओ। रेडी स्टार्टिंग। Огонь на подавление! Враг сзади по левому флангу! Противник на северо-востоке! Противник северо-запад! Противник на юге! Они атакуют с юго-востока! Замечен противник на юго-западе! चिंकी आज मरवा के रहेगी मुझे लग रहा है। ओह पाद निकल गया, तो भाई मेरा तो हो गया आज का वर्कआउट फर्स्ट डे का। और ऑलिव को आ रहा है हमारे पर बहुत गुस्सा कि हम क्या कर रहे हैं और हम इसको रिवर्ट बैक नहीं कर रहे ना, तो गुस्से में अपना गद्दा फाड़ रही है।
क्या हुआ भाई? सुबह ही अच्छा था। हालत देख लो कि घर पे भी आप ऐसा वर्कआउट कर सकते हो। हालत देख लो दोनों। मैंने तो अभी पूछ लिया है, आप लोगों को बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिम जाके आप पतले हो सकते हो। आप ये तबाड़ा का सेशन लगा लो। अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट घर पे भी हो सकता है। वैसे तो हम जिम पे जाते हैं बट ऐसा नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हो। जो जिनके पेपर है, जो जिम नहीं जाने देते घर वाले, तो आप घर पे बहुत अच्छा होगा। तवाड़ा का सेशन लगाओ सिर्फ 20 मिनट का और आप 15 दिन में वेट लूज, मैं गारंटी दे रही हूँ। बट अगर आप डेडिकेशन के साथ करोगे तो डेली के 3 सेट, डेली के 3 सेट। हाँ मतलब 3 सेट सुबह शाम कर लो या एक ही बार में 3 सेट कर सकते हो। सुबह दो शाम, वो 4 होते हैं तो 3 की जगह 4 कर लो उसमें। ऑलिव को भी कराओ, भैंस हो रही है खा खा के। अब नेक्स्ट हो गया आपका पूरा वर्कआउट। आके देख रही हूँ आपको, हालत बुरी हो गई भाई। कुछ नहीं, चिंकी के चक्कर में कर रहा हूँ। किसके चक्कर में? चिंकी, जो चिंकी करा रही है। ये चिंकी क्या कर रही है? ओए हेलो कर रही है। मैं ऐसे कर लूँ बस? करना प्लीज, करना बड़ा अच्छा है। देखो इसको, देखो मैं इसको देखो क्या कर रहा। ओलिव, ओलिव पागल हो गई आज। तेरा याद में आ गया, इसके साथ नहीं करूंगा मैं। ये क्या बदतमीज वाला रिकॉर्ड है? चुहिया से शेर बना रहा है। चिंकी भी तो कर दिया। नो 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 नो, आज का वर्कआउट हो गया खत्म। चिंकी थैंक यू, यू बहुत चिंके गए हैं। थैंक यू। हाँ पीछे चिंका खड़ा, मुझे वो पसंद आ गया। घूसण ना मारूंगा भाई, हालत बुरी हो जाती है, बहुत ज्यादा हालत बुरी हो जाती है। आप देख रहे हो पसीने, पूरी टी शर्ट पसीनों में। इसने ये जैकेट ना उठा के फेंक दिया क्योंकि मैंने इससे क्या करा था, ऐसे इसके पसीने पूछ लिए थे। भाई सुत्ती हार गई है, मैं जीता हूँ आज के वर्कआउट में। भाई मैंने हाफ किया है, मैं हाफ से ज्यादा नहीं कर पाई। तो शायद बिल्कुल डेड सीन हो रहा है, सिर्फ काली 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 बेहोशी छा रही है यार। काली काली बेहोशी, इसको अंधी होगा, काली तो हो रहा है। बट वी डिड इट वेरी वेल एंड ऐसे ही हमारा वर्कआउट होता रहेगा। और आप फर्स्ट ये था, 15 मिनट में आप ट्रांसफॉर्मेशन देखना। अगर आप बोलोगे ना क्या बोला मैं, 15 मिनट बोल दिया, सॉरी यार वर्कआउट की झाई चढ़ गई है। बट 15 दिन में वर्कआउट का मेरा रिजल्ट देखना, बिफोर आफ्टर मैं डालूंगा। मेरे को अपने पे यकीन है, श्रुति का पता नहीं कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बट मुझे अपने पे पूरा यकीन है। और डाइट भी शेयर कर दूंगा और वर्कआउट तो अभी मैंने टबाड़ा करा है। जिम में जब मैं ढंग से वर्कआउट करना शुरू करूंगा तो उसकी भी वीडियोस रिकॉर्ड करके स्नैपचैट पर डाला करूंगा। बिकॉज पूरे दिन में पूरे व्लॉग में सिर्फ वर्कआउट वर्कआउट नहीं दिखाना चाहता। अगर जिसको भी वर्कआउट की मेरी वो चाहिए कि मैं क्या वर्कआउट कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, तो डेली अपडेट तो स्नैपचैट पर ही आएगा। तो स्नैपचैट आप देखना ना भूलो, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर दूंगा स्नैपचैट मेरी आईडी, वहाँ पर पहुँचना, वहाँ मिलेंगे। श्रुति को देखना है, श्रुति को, श्रुति के मैं देखने के लिए क्या है, मेकअप ड्रेसेस ये सब। ही शी इज वेरी मोटिवेटेड, वेरी मोटिवेटेड। मैं जब वर्कआउट करती हूं तो आपसे भी अच्छा करती हूं कभी-कभी, बता दूं तू। सो गाइस अभी लेते हैं शार। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे घर में ना एक मेरे पास स्टीम बात भी है। अभी मम्मी पता नहीं कार के गई है, स्टीम बात लेता हूँ दिखाऊंगा भाई। आप बहुत कन्वीनियंट है, आप भी अपने घर के लिए मंगवा सकते हो। बेसिकली वो एक बॉक्स है और उसके साइड में वो स्टीमर है, वो मैं दिखाऊंगा। ज़्यादा महंगा नहीं है, 2,500 रुपये का होगा शायद। तो आप भी मंगवा सकते हो अगर जिसको घर पे स्टीम बात वगैरह लेनी है, तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द वेट लॉस। एंड मिलती है शार के बाद। सो शार ले लिया है, नहा धो के हो गए हैं तैयार, तैयार होना भी बाकी है, थोड़े से बाल चुकाने पड़ेंगे। और श्रुति अभी नहा दिए, नहा के आएगी फिर किचन में। कुछ आज देखते हैं हम क्या बनाएंगे, अभी आफ्टर मील क्या खाते हैं। श्रुति कुछ हेल्दी खिला दे मुझे बस, आज मज़ा आ जाएगा। और बाल इतने लंबे हो गए तो बाल कटवाने का टाइम आ गया, देख रहे हो। वर्कआउट करके आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा, और ठंडे ठंडे पानी से शार लेके आ गया, उससे भी जोर से मज़ा। और अब हम क्या बना रहे हैं? अब हम बना रहे हैं, अब हम डाइट फूड खाया करेंगे, भात खाया करेंगे। और अभी हम क्या बना रहे हैं? वैसे चीला बना रहे हैं हम, प्याज, क्योंकि हमारे पास ब्रेड खत्म हो गया, इसलिए हमने दूसरा ऑप्शन चूज किया है, चीला बेसन प्लस सूजी। और क्या, हाँ मैं ये कहती हूँ कि हम बाहर के चाउमीन मोमोज अब बंद करेंगे, क्योंकि एक टाइम वो था मेरा जब मैंने खुद को इतना मतलब वो क्या बोलते हैं वो कर लिया था, वो अरे मैंने इतना खुद को कंट्रोल कर लिया था कि मतलब कोई मेरे सामने पिज्जा भी खा रहा होता था, केक भी खा रहा होता, कुछ मर्जी खा रहा होता, तो मेरा मन ही नहीं करता था अंदर से खाने का। बट अभी वो टाइम लाने में थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, बना लो
बना वैसे मैं रही हूँ, इसने सिर्फ प्याज चॉप की है तो इसलिए ऐसे दिखा रहा है कि मैं बना रहा हूँ। सो इसमें हमने डाला है शिमला मिर्च, टमाटर एंड हरी मिर्च, और इसमें हमने प्याज ग्राइंड कर लिया है। और श्रुति पता नहीं क्या कर रही है, मुझे ना बहुत जोर से प्यास लग रही है और मेरे को पूरी बोतल पीने का मन, पूरी बोतल पीने का मन कर रहा है पानी। अच्छा, अब मैं वाटर इंटेक बढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी बोलो भाई, आप बोलो, ये कह रही है हर वीडियो में आप बोलते रहे, तो आप बोलो भाई। कुछ नहीं, अब मेरा खत्म हो गया, मुझे बोला बोला बोल जल्दी बोल। मैं ये बता रही थी चीला कैसे बनता है। क्या डाला इसमें? ये डाला मैंने सिर्फ 2 से 2.5 चम्मच बेसन और बाकी सारी डाली है सूजी। हमेशा सूजी की क्वांटिटी ज्यादा रखना तभी आपका सूजी की क्वांटिटी ज्यादा बनाना, तभी आपका चीला और ब्रेड जो भी है क्रिस्पी बनेगा। ज्यादा सुझाओ, ज्यादा क्रिस्पी खाओ। दिखाता हूँ आपको, वैसे तो मेरे देखो ये प्रोटीन का डिब्बा पड़ा हुआ है। वैसे तो मेरा प्रोटीन का डिब्बा रखा हुआ है, अभी एज यूजुअल प्रोटीन लेता था मैं जब मैं प्रॉपर ढंग से वर्कआउट करता था। और हाँ अच्छा ठीक है, और एक मैं लेता था एल कार्टिनाइन, बट ये वेस्ट है भाई, इसको लेने का कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया आप ग्रीन टी पी लो तो ज्यादा बेटर है। पागल औरत है मेरे साथ, कोई नहीं। सो गाइस मैं ये बता रहा था कि ना बहुत इंटेंस वर्कआउट के बाद पहले तो आपको लेना शार, अच्छे से फेस वॉश करना है। और अच्छे से शार इसलिए लेना है क्योंकि एक्ने का बहुत प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को एक्ने होने की इश्यूज हो जाते हैं, जैसे मुझे भी है पर्सनली। तो मैं नहाता हूँ आफ्टर वर्कआउट, जानबूझ के बर्तन बजा रही है ताकि मैं बोल ना पाऊँ। इसको ना आजकल जलन हो रही है मुझसे कि आप इतना क्यों बोल रहे हो वर्क उसमें व्लॉग में, आप क्यों इतना बोल रहे हो, मेरे को क्यों नहीं बोलने दे रहे, बोल रहे हो ना भाई आप। मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे, जब मैं बोलती हूँ तो मेरे मुंह से फोन छीन लेता है। जैसे अभी आपने छीन लिया, आप हमेशा मुझे गंदी लाइट में दिखाते हो। मैं अच्छा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं इससे ज्यादा तो मैं क्या करूँ। तो सामग्री इसमें डल गई है सारी, और इसमें श्रुति ने डाला है 1 कप पानी, और ये सारी सामग्री कर दी है मिक्स। इतने में खाता हूँ एप्पल, यू मेक सम फूड फॉर मी बेबी। वाओ, और इतना बड़ा बाइट खा लिया मैंने, हर चीज इसको वो करने का मैं करता हूँ हर चीज। और जब बारी आती है ना वर्कआउट करने की तो इस तरह नहीं होता छुट्टियों वाला बाबा। तवे पे जा चुका है 1 चम्मच घी। हमेशा याद रखना भाई, किसी की बात सुनना, देसी घी में खाना सबसे हेल्दी होता है, सबसे पौष्टिक होता है। कई लोग आपको बोलेंगे ऑलिव ऑयल में सेको, कई लोग बोलेंगे आपको सरसों के तेल में सेको, सोको नहीं सेको। इसका ऑलिव ऑयल में तो मैंने बहुत सुना अच्छा होता है। ऑलिव ऑयल भी एक लेवल तक बर्न होते हुए सही होता है, अगर वो ओवर बर्न हो जाना तो वो ऑलमोस्ट अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी आप देखोगे कहीं आप इंग्लिश सैलेड वगैरह खाओगे ना तो वो ऑलिव ऑयल उस पर डालते हैं क्योंकि वो ईटेबल होता है। हम क्या करते हैं ऑलिव ऑयल को छोका लगा देते हैं, बट ऑलिव ऑयल छोका लगाने के लिए नहीं है, छोका लगाने के लिए सिर्फ 2 ही तेल है, एक है कोकोनट और एक है देसी घी। बदतमीज औरत है, चीला होने वाला है ब्रेडी। और देखो खाते खाते सेब खा रही है वहां पर, खा के तरह सेब पूरा खा गई एक ही बारी में, दिखाइयो काट के खाया भाई। अरे राम, पूरे किचन का ऐसा धमासंध बना दिया आपने बनाया। यार हरी चटनी हेलो, फ्रिज में है कलौंजी, ये वो वाली नहीं जो आप बनाती, वो वाली मैं भूल गई, रिसेंटली भूल गई बिल्कुल, क्या था सामान भी नहीं है, मैं भूल गई भाई। कल मैंने तो चाय को थोड़ा सा ज्यादा इरिटेट कर दिया था, तो उसको बेचारे को ऐसे थोड़ा सा खुश करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि उसको एक चटनी बहुत पसंद है। अगर आप हमारे प्रीवियस व्लॉग्स देखते थे तो आपको पता होगा कि मैंने मम्मी से सीखी थी बनानी, मतलब हरी चटनी है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए, बट स्टिल वो बहुत टेस्टी बनती है, और चीले और ब्रेड्स के साथ तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैंने उसको से मना कर दिया कि मैं बना नहीं रही हूँ, बट मैं बना देती हूँ। तो चलते हैं चीला लेके चिलचिले हुए पति के पास। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, एक चटनी के ऊपर आपने इतना बड़ा कर दिया ना, एक चटनी ना हो गया। वर्कआउट मैंने भी किया था आपके साथ उतना ही जितना आपने किया। एक्सक्यूज मी, बट खाना बना रही हूँ मैं अकेले, क्या मैं नहीं थकी हुई? सब्जियां काटी मैंने, सिर्फ आपको सिर्फ तवे पे वो बेलना था। धनिया बनाना, सारी चटनी धनिया बना दे तू, धनिया ये फिर धनिया। मैं इससे बहस नहीं कर सकती, मेरा चीला जल गया। पता नहीं मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरा फर्स्ट चीला हमेशा टूटता है और सेकंड वाला ये रहा बिल्कुल सजा सजाया, बट फर्स्ट हमेशा टूटता है। मैं तुषार को यही खिलाऊंगी। को इसमें सिर्फ डालनी है बहुत सारी धनिया, आपको जितनी भी लेनी है क्वांटिटी, मतलब ज़्यादा ही रखना,
दो तीन लहसुन और सिर्फ दो तीन चम्मच दही डालनी है। पानी बिल्कुल भी मत डालना गलती से भी, वरना इसका पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। एंड दैट इट, आप इसको ग्राइंड कर लेना। भूख से, भूख पेट में चढ़ गया है, सॉरी दिमाग में। अब आपको बोलो, आपके पेट दिख रहा आपका है मेरा पेट 15 दिन बाद पेट ले। सॉरी गाइस, नमक और हरी मिर्च भी है किसी के ओ के चक्कर में मैं बताना भूल गई। ओ चले, ये लो बेबी। बेबी ने कर दिया आपके मंत्रा के अकाउंट से कुछ पेमेंट्स। जरा वाइट ट्राउजर खाओ, मेरी कसम आपने फिर ट्रांजैक्शन की मेरे अकाउंट से। कसम क्यों खाऊंगा हर बात पे कसम? पहले आप ये खाओ प्लीज। मैं ओए करंट लगा, खा के बताओ कैसा है। खाली बस जाओ। मैंने सुना है दिल का रास्ता पेट से जाता है। कितने, मैंने उल्टा बोला क्या? दिल का रास्ता सही बोल दिया आपने, सुनो मेरी बात। ठीक है, बहुत टेस्टी है। दो चीले बनाए अभी तक, बहुत टेस्टी। खा के बताओ प्लीज। ये क्या है? तो चार टूट गया था पहला चीला। ये क्या है? टूट गया था, मैंने सजा दिया। मेरा हमेशा फर्स्ट चीला टूट जाता है, I don't know why। तो छुपाया क्यों ये आपने? छुपा दिया ताकि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। ये प्रेजेंटेशन ज्यादा क्यों? सच्ची बता। अब साथ में नींबू पानी लिया, फटाफट जाओ। सुनो मैं खच्चर नहीं हूँ, टाइम लगता है बनाने में। दीदी नहीं हो मेरी, जाओ। मैं खाकर आ रही थी, आपने बर्तन क्यों धोना स्टार्ट कर दिया? हर बार यही होता है, आप खा के आ ही रही होती हो और जब तक बर्तन धुल जाते हैं। बट ठीक है बेबी, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ना। आप खिलाती हो मुझे, मैं धोता हूँ। आप खिलाती हो मैं धोता हूँ। आप खिलाती हो मैं धोता हूँ। आप खिलाती हो मतलब मैंने पहले आपको, मैंने पहले बनाया आपने खाया, अब जब मैंने अपने लिए बनाया तो खाऊंगी ना। हाँ तो खा लो, मैं भी तो बर्तन धो रहा हूँ। बना के खिला दिया आपने मुझे, कौन सा बना के खिला दिया? क्यों आखिर वाला चीज तेरी अम्मा ने खिला? मैंने इसे पलटने को बोला था गैस पे। तो जानबूझ के ऐसे कर रहे हो रोज रोज? अच्छा बता आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह ये बैठी हुई फोन पे, और मैं नॉर्मली ना मैंने झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, क्योंकि अभी हमने काम वाली तो लगा ही नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी आ जाएगी जब लगाएंगे, तो मैंने लगा दिया। उसके बाद ना मैंने लगा दिया, उसके बाद क्या कहती, मैंने थोड़ी ना बोला था आपको रोकने। ये किसी से फोन पे बात कर रहा था, तो मतलब ठीक है बात कर रहा था, तो उस टाइम हम ब्रेकफास्ट करके उठे थे, तो इसको कुछ मिला नहीं करने को, क्योंकि ये बात करते करते दो घंटे तक इसने बात की। फिर इसको लगा कि मैं कुछ हेल्प तो कर नहीं रहा हूँ श्रुति की, फिर इसने मुझे पटाने के लिए झाड़ू भी लगा दी और पोछा भी लगा दिया। अब जब कोई मेरा काम कर रहा है फ्री में, तो मैं क्यों मना करूंगी? और फिर मैं तो सार के बाहर जाने पे कलेश भी करूंगी। बाहर अकेले जाने के लिए मना किया था? बाहर माहौल खराब है यार आजकल, पता है? चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लड़कों को ज्यादा खतरा आजकल बाहर है कि नहीं है? आजकल की लड़कियां शरीफ नहीं होती भाई। मान लिया ना, लड़कियां ज्यादा खराब हो गई है, सब पता है मुझे। नहीं जान दूंगी अकेले, बात खत्म। तो खा लिया पी लिया, मजा आ गया। हर बार में लोग सर करते। अरे मैं बस यही बता रहा था, देखो अच्छा खा लिया, अच्छा पी लिया, अब टाइम है ग्रीन टी अभी शाम को पियेंगे ना, अभी खाया है, खाने के एक घंटे बाद पीनी है भाई ग्रीन टी, ठीक है, ताकि आपका वेट लॉस हो सके। वेट लॉस तो मतलब क्या होता है, मतलब वो आपका ना इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, तो इट्स इक्विवेलेंट टू वेट लॉस। ऐसा होता है कि वो हेल्प करती है, वो वेट लॉस की कोई सामग्री नहीं है, बट वो आपको हेल्प करती है आपका इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए और बाकी चीजों के लिए, बॉडी के लिए हेल्दी होती है, तो हमें पीनी चाहिए। और इसको देखो जरा, बतोड़ा हूँ मैं, बतोड़ा बोलना शुरू करता हूँ तो चुप नहीं होता मैं, बतोड़ा हूँ। क्रिंची है, क्रिंची वो, ऐसे बॉडी बनाओ, मैं मोचा में पतला में 15 दिन मैं इससे पहले बना लूंगा। सो गाइस, इस व्लॉग को अभी करते हैं हम यही एंड करके, ठीक है, क्योंकि ये बहुत देर हो गई है, आपने बहुत ज्ञान ले लिया होगा आज। होप सो आपने लाइक की होगी ये वीडियो। कल से तो हम जिम जाने ही वाले हैं, सब कुछ होने ही वाला है, सो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कल हम क्या करेंगे हमारी फैट लॉस जर्नी में? जय श्री राम, जय महाभारत, जय महाभारत। बहुत बढ़िया, चलो गाइस जय गुरुजी, लव यू, मिलते हैं।